भारत भूमि के वो योद्धा जिनके लिए उनका धर्म और कर्म उनकी वीरता है। युद्ध में दिखाई गई शूरता के लिए पेशवा के चचेरे भाई श्रीमंत सदाशिवराव भाऊ का अभिनंदन किया जाता है। साहूत्या मला, मैंने सुना है जब पेशवा अकेले मुहिम पर जाते हैं तो एक मस्तानी के साथ लौटते हैं। मेरे जीवन में तुम ही हो और तुम ही रहोगे। शस्त्र पूजन के समय आपने पेशवा तलवार सदाशिव को क्यों दी? सदाशिव का हर कदम हमेशा मराठा साम्राज्य के हित में ही रहा है। आज हम पूरे हिंदुस्तान के शासक बन गए हैं। मराठों के खिलाफ जाने वाला कोई है ही नहीं इस सरजमीन पर। एक है जहां पना, अहमद शाह अब्दाली। अब्दाली के आने का मतलब है पूरे हिंदुस्तान पर आक्रमण। इस बार 1,00,000 की फौज लेकर आ रहा है वो। पिछली बार जब वो यहाँ आया था तो यमुना का पानी 7 दिन तक लाल था। मोरकत तक तो ये कोहिनूर बड़ी मशक्कत से पाया जाता है, छीनने से नहीं मिलता। तलवारें खींच लो, इस बार हमें उसे रोकना होगा। एक बार इन्हें हरा दिया ना, फिर दिल्ली क्या, पूरा हिंदुस्तान आपका। वो 1,00,000 की फौज लेकर आ रहा है तो हम कोई आपके घर पर हमला करेगा तो आप शत्रुओं की संख्या गिनोगे या फिर पूरी ताकत के साथ उसका सामना करोगे? हम मराठों का सफाया कर देंगे। तो फिर हमारे बंदूक है आपकी। इस बार अब्दाली को ऐसा सबक सिखाओ कि वो दोबारा हिंदुस्तान की तरफ देखने की हिम्मत भी ना करे। मैं भी तुम्हारे साथ मुहिम पर चलूंगी, सुख में पीछे रहूंगी और दुख में आगे आ जाऊंगी। अब्दाली को भी पता लग जाए कि अभी तक हमारे धरती में वीर योद्धा खत्म नहीं हुए हैं। अब हमारे बीच कोई दरिया नहीं, अब हमारे बीच सिर्फ पानीपत की रणभूमि है। तू छोटे से जमीन के टुकड़े के लिए अपनी जान देने जा रहा है? मैं इस धरती के मिट्टी के एक कण के लिए भी मरने को तैयार हूं।